अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप आप सभी का रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से जा रहा होगा। और अभी मैं हूँ अपनी गांव की भुल्लियों के साथ। सो, इतने हंसते चेहरों के साथ मैं रक्षाबंधन मनाने जा रहा हूँ। सो, ये है तन्नु, कानू, मन्नू और सोनू, और पांचवी भुल्ली कौन है? कल्पेश्वरी। बढ़िया नाम है। बढ़िया नाम क्या है आपका? अरे मैं ना इस कल्पेश्वरी कप्पू। हाँ, तो हम कप्पू बोलेंगे। सो मैं अपनी गांव की भुल्लियों के साथ आज रक्षाबंधन मनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा, प्यारा सा त्योहार है। सो आप सभी को सबसे पहले तो हम क्या बोलना चाहते हैं? हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। राखी बांधना शुरू करें फिर, है ना? राखी बांधने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो बोलो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अरे तो क्यों बोलना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मेरे आशीर्वाद सबके साथ है, सबके साथ है। हाँ, तो चलो राखी पहनना शुरू करते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आइए मिस्त्री दादी, पहले जमाने में मिठाई नहीं होती थी जब ज्यादा, तो चीनी और हलवा बनाया जाता। चीनी और हलवा, चीनी तो चीनी खिलाओ। या गिफ्ट थोड़ी देर बाद दूंगा मैं। तेरी बोलना है, छोटी सी लगाना बोल रही है। कोई बात नहीं, सिर्फ हाथ ही दिखे। ओके, तुम देखो बना के दाना नहीं मिलते, जो आम जोड़ो तक बुझे आता था। भाई जी तो जोश है। फूल डाल यार, कपाल में फूल डालना बंद। भगवान दी तो सद बुद्धि दिया। आप किसकी बारी है? मेरी। क्या नाम है बुल्ली आपका? कपूती है। नहीं, आपका नाम क्या? बुल्ली बुल्ली दीदी, बड़ी दीदी। हाँ, बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी है, ऐसे बोल दे तो। मिठाई अब मैं आपको खिलाऊंगा मिस्री। हाँ मिस्री, मिस्री। Oh my God, Oh my God, Gorgeous। मत करना, अरे मैंने इन्ना है बड़ा करना। बस छोटे लोगों ने लगा अपना। ये एक मिठाई। बस बस सारी उम्र
हमें संग रहना है। हाँ करी निर्भकी। गुड़े तेवा तो खून आई है। जो उबिल खाने क्या? मिस्त्री भाई क्या बोल रहे हो मिस्त्री? तो मेरी गांव की भुल्लियों ने मुझे राखी पहना दी है। वैसे रक्षाबंधन कल है तो मुझे अपनी सिस्टर के साथ जाना है। ये भी मेरी भुल्लियाँ हैं, गांव की भुल्लियाँ, लेकिन जैसे हम लोग भाई बहन हैं, सेम मदर, ये डिफरेंट मदर। तो मुझे अपनी बहन के यहाँ जाना है दूसरे गांव में। तो मैंने सोचा आज ही गांव की भुल्लियों के साथ रक्षाबंधन मना दिया जाए और मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ। मेरे लिए दोनों रक्षाबंधन, जो मेरी जो गांव में, जो मेरी दूसरी गांव में सिस्टर रहती है, जो मेरी ये वाली सिस्टर है, सब मेरे लिए सेम है, बराबर। प्लीज रख लेना, अभी यही है बाद में तो। थैंक यू। और ये बहुत काम की चीज़ है, ये गर्मियों में काम करते हैं ना, ये चीज़ें करते हैं। और ये कौन बचा? ये थैंक यू भैया। और इस वाली भुल्ली ने मुझे पहले बताया नहीं था कि ये आज इस वक्त आने वाली है, सो मैं इनके लिए गिफ्ट जरूर लूंगा। अच्छा, पक्का पक्का दादी, पक्का प्रॉमिस। सो अभी के लिए मैं चॉकलेट दे रहा हूँ, कोई दिखाओ नहीं, रियल। सो गिफ्ट आपका गिफ्ट है अभी मेरे पास, ठीक है? बैजरों से, बैजरों से लेके आऊंगा। अच्छा ठीक है। कैसे लगा आप लोगों को? बहुत ये बंधन तो, अरे अभी राखी बंधन है, देखा है तेरा की अगस्त में। यस, सो ये है मेरी राखी, तो देख सकते हो। सो ये बंधन कितना स्ट्रांग है, जरा जोर से बोलो। बहुत ज्यादा। दादी रक्षाबंधन के लिए कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, क्या बोलना है कि हमारे आशीर्वाद है, आज से तुम बार बार तुम्हारे को राखी हर वक्त बांधे तुम्हारे हाथ में। अरे क्या बात है, याद है। कितने साल की हो आप दादी? कितने साल की हो? 18। 1900 कब लगेगा? 25 साल बाद। पर्चु पति का मिलते हैं आपको मेरी सिस्टर के गांव में, जो कि है डोकुंडाई में। वहां पर जानवर बहुत होते हैं, है ना, बागों की आवाज तो वहां पर आती रहती है। तो चलो मिलते हैं आपको। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी सिस्टर के गांव डोकुंडाई। सो ये डोकुंडाई जो गांव है, ये उसका बस अड्डा है और यहाँ पर एक मंदिर है। जय माता दी। सो मैं और मम्मी यहाँ पर पहुँच चुके हैं सिस्टर के गांव देवकुंडाई। ये एक घंटे का सफ़र था और मैंने सफ़र में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा सर, और मेरी मम्मी देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये साड़ी किसने दिलाई है पता है? हाँ, तो मैं अपनी मम्मी को दिखाता हूँ, ठीक है? आपको सही से फ्रंट कैमरे से नहीं, बैक कैमरे से। और ये हमने मास्क भी लिया है, हमने पूरा मास्क पहना हुआ था ऐसे। अभी कोई नहीं गांव में पहनेंगे। क्या नहीं से? तो देखो मम्मी जी की साड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ऐसे साड़ी भेजना ऐसे मेरी मम्मी बोल रही है, ऐसी साड़ी गिफ्ट भेजना। अरे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो मम्मी कुछ बताएगी, हम देवकुंडाई में आ रखे हैं, देवकुंडाई गांव के बारे में थोड़ा सा। बढ़िया है, अच्छा है, यहाँ बांध बहुत होता है, हमारे लड़की रहती है तो अच्छा है। अच्छा। बांध बहुत होता है, काम बहुत होता है यहाँ काम बहुत होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पूरा बांझ है, ये चारों तरफ बांझ। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको दिखाया था मैंने गाँव की भुल्लियाँ। सो हैप्पी रक्षाबंधन मैं आपको फिर से कहता हूँ। सो चलते हैं गांव की तरफ। ये देखिए, ये झुंगरू है, ये देसी झुंगरू है, देसी झुंगरू। इससे क्या बनता है मम्मी? इससे बनता है, इसको खाते भी हैं, बहुत महंगा होता है। हाँ? और जैसे छाछ के साथ झुंगारा बनाते हैं, छंचा बनाते हैं, और बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अच्छा,
तो हिला नहीं 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 कमेंट करके बताइए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अभी ये बहुत ही कच्चा है बट बहुत खूबसूरत है। वाओ। वैसे गांव में मास्क पहनने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, घुटन सी होती है और गांव का वातावरण बहुत ही प्यारा होता है। और ये देखो सामान मेरे पास है, ठीक है, मम्मी भी ले जा रही है थोड़ा बहुत, मम्मी बहुत स्ट्रांग है मेरी। हाँ, और गाँव के लोग जो काम करते हैं ना उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बुढ़ापे तक भी काम करते हैं और उस काम की वजह से उनके दिमाग में फालतू बातें नहीं चलती है और वो बिजी रहते हैं। पहाड़ों के लोग होते हैं वो खुद काम करना पसंद करते हैं और वो काम उनको बहुत खुशी देता है और वही काम जो करते हैं वो उनको लॉन्ग लाइफ देता है। सो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरी दाढ़ी और मेरा मास्क मिक्स हो रहा है। ये देखिए देवकुंडई गांव, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये सारी मिर्च की खेती है। जय माता की। सो ये हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। ये रहा मेरी सिस्टर का घर और पीछे आप देख रहे हैं झबरू, वो भौंक रहा है हम पे। और पहाड़ी कुत्ता है, भालू जैसा लगता है, ये देखो। नमस्ते 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 भालू रे नकला नहीं मैं वीडियो बनाऊं। अच्छा दूर बड़ा कर वो ये ना बिल बंद की। अच्छा हां लेकिन भालू लगणो ना। हां भालू ही थेजो। ये मेरी भुल्ली, नमस्ते कंचा। अरे अरे नमस्ते ससुर जी, कैसे हो? अभी आ रहा हूं। हां आ रहा हूं मैं ऊपर। हां अपना ध्यान रखिएगा, आ रहा हूं। ए ए कंचई है, कंच तू कदा बड़े फरोख च तेरी है। ओ बड़े उच काल मार। नमस्ते ये माल्टे हैं, माल्टे अभी तो बहुत छोटे हैं बट हो जाएंगे एक दो महीने बाद, बहुत मीठे होते हैं। सही है ना? अब लो हाँ। तीन बहनें हैं ना मेरी। सो तीन राखियां निकल लग गया। एक पैर और खाना था। और दूसरा बिस्कुट। तो ये मैं लेके आया हूँ। छोटा भाई है, बड़ा भाई। हाँ मेरी तीन बहनें हैं ना तो मैं सारे गिफ्ट इसी को दे रहा हूँ, तो ये दे देगी सबके लिए। ये मेरी तरफ से। थैंक यू। सो हैप्पी रक्षाबंधन बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन। राखी या
सारी हाथ ही मोड़ दिए नहीं नहीं पहनाओ पहनाओ सब मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। यस थैंक यू बोलो जोर से थैंक यू बोलो मुझे मोबाइल दे देना हमेशा के लिए बोलो 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 लाइक नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये रक्षाबंधन का वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का टाइम आ चुका है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन बोलो हैप्पी रक्षाबंधन हैप्पी रक्षाबंधन। सो आपको क्या करना है अगर आप नए हो हमारे ब्लॉग में सो पता है मुझे आपको पसंद आया होगा तो सामने सामने कहीं लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का तो उसको खचक दबा दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस।